हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। एक रिपोर्ट से यह बात सामने आ रही है कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी अपनी ज़ेन कार को दोबारा से भारत में लॉन्च करने वाली है। यह नई ज़ेन कार दिल्ली ऑटो एक्सप्रो में शोकेस की गई मारुति Y8K पर बेस्ड होगी। नई ज़ेन मारुति Y8K ज़ेन 2019 में मार्च से जून के बीच लॉन्च की जाएगी। हालांकि कि इस बात का ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार को होली के उत्सव के समय भारत में उतार दिया जाएगा। ज़ेन Y8K मारुति ऑल्टो 800 सेकंड ऊपर और लगभग अगले जनरेशन ऑल्टो के 10 के साथ बेची जाएगी। मारुति सुजुकी ने अभी तक ज़ेन ब्रांड की दोबारा लॉन्च की घोषणा नहीं की है, लेकिन अफवाहें बहुत अधिक हैं कि Y8K कॉन्सेप्ट कार ज़ेन कार के नाम से ही उतरी जाएगी। मारुति Y8K एक क्रॉसओवर डिजाइन पर आधारित है जो एक बोल्ड रूफ और एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ रेनॉल्ट क्विड को चुनौती देगा, जो इस वक्त एंट्री लेवल क्रॉसओवर सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। Y8K में 1.0 लीटर इंजन दिए जाने की संभावना है, जो ऑल्टो के 10 के इंजन का एक संशोधित संस्करण होगा। यह इंजन तकरीबन 70 bhp की पावर और 90 nm टॉर्क का उत्पादन करेगा। अंत में बात की जाए कीमत की तो नई मारुति ज़ेन की शुरुआती कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 5 सेकंड 5.5 लाख तक की कीमत के बीच में आएगा।